नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत जो है वो मैं समझता हूँ हर समय हर पल पे। तो इस वजह से आपके लिए वीडियो ये है कि आप टाइम टेबल को किस तरीके से देखें। जब आपकी क्लासेज 14 से रेगुलर परमानेंट स्टार्ट हो जाएगी तो आपको टाइम टेबल देखने में बहुत समस्या होगी। जब आप क्लासेज करने आएंगे, इनरोलमेंट करवाने जाएंगे, तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, जो मेन कैंपस के बच्चे उनका अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और कॉलेज के बच्चे भी अपना कॉलेज में ही उनकी क्लास चलती है। सबसे पहले मेन कैंपस के बीए वाले बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में क्लास करेंगे, बीएससी वाले बच्चे साइंस फैकल्टी में जाएंगे, और बीकॉम वाले बच्चे कॉमर्स फैकल्टी में जाएंगे। ये हो गया। बीएलएलबी वाले बच्चे लॉ फैकल्टी में जाएंगे, और सबकी फैकल्टी, जैसे कि बीवॉक फूड प्रोसेसिंग के बच्चे साइंस फैकल्टी में उनकी क्लास चलती है, बीए मीडिया स्टडीज और बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन की क्लासेज मेन कैंपस में चलती है, लेकिन सबसे किनारे आईपी मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट में चलती है, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज में। इसके बाद फिर बीबीए एमबीए का मनीरबा में चलता है, फिर फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का साइंस फैकल्टी में चलती है क्लासेज। तो ये सारी चीज़ें आप रहेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। फिर कॉलेज वालों की क्लासेज कॉलेज में चलती हैं अलग अलग फैकल्टी में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीए आर्ट्स का है, आपका सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी की क्लासेज डिपार्टमेंट में चलती हैं, और एक और क्लास चलती है एफसीआई बिल्डिंग में, यानी कि एफसीआई बिल्डिंग में भी बहुत सारी क्लासेज चलती हैं। एफसीआई में किसकी किसकी क्लास चलेगी पहले यह ध्यान दीजिए। एफसीआई बिल्डिंग जब आप आर्ट्स फैकल्टी देखते हैं, जहाँ पे आप लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी आपको रहती है, तो रोड के इस पार जहाँ विश्वविद्यालय की पुलिस चौकी है, उसके ठीक बगल एक शीशे वाली बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, वो एफसीआई बिल्डिंग है। इसमें क्लासेस किसकी चलती हैं? इसमें क्लासेज हिंदी की चलती हैं, इसमें क्लासेस चलते हैं इकोनॉमिक्स के, हिंदी मीडियम के बच्चों के, इसमें क्लासेज एंशियंट हिस्ट्री की चलती हैं, पॉलिटिकल साइंस की चलती है, फिलॉसफी की कुछ क्लासेज एफसीआई में चलती हैं, और किसकी चलती है, बस सारी शायद इतनी क्लासेज चलती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की क्लासेज मेन कैंपस में चलती हैं, इनकी क्लासेज एफसीआई बिल्डिंग में नहीं चलती। हिंदी माध्यम वाले छात्रों की क्लासेज एफसीआई बिल्डिंग में मैक्सिमम चलती हैं। तो देख लीजिएगा। तो जैसे हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास का टाइम टेबल लिखा होगा, टाइम टेबल कैसे देखें, जैसे 9:50 वाली क्लास में अगर आपने इनरोलमेंट करवाया होगा, 9:50 से 10:45 तक एक क्लास है आपकी। आपका सेक्शन अलॉट हुआ है सेक्शन ए, ये आपका अलॉट हुआ है, ये आपका इनरोलमेंट पे हिंदी सब्जेक्ट में ये अलॉट हुआ है। तो इसमें लिखा गया है हिंदी डिपार्टमेंट LLT 1। इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट में क्लास आपकी चलेगी, हिंदी डिपार्टमेंट में। कुछ बच्चों का मान लीजिए इनरोलमेंट 10:45 से, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 11:40 वाली क्लास में हुआ है, ये आपकी क्लास का इनरोलमेंट हुआ है, आपको सेक्शन सी मिला हुआ है, सेक्शन सी मिला हुआ है, इसमें लिखा है एफसीआई बिल्डिंग LLT 3, यानी कि आपको अब एफसीआई जाना है। बाबू देखिए, एफसीआई बिल्डिंग LLT 3। अब एफसीआई बिल्डिंग में बहुत बच्चे एलएलटी में कंफ्यूज होते हैं, अब इसका भी स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो इसमें आपको एफसीआई में क्लास करने जाना है। फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट है फिलॉसफी, फिलॉसफी की क्लासेज रहेगी NRSC हॉल, सबसे बड़ी क्लास चलती है प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर की। अब NRSC हॉल कहाँ है? NRSC हॉल आपको मिलेगा जहां पे BFA यानी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसके बगल एक हॉल NRSC हॉल है, ये चलेगा। फिलॉसफी की क्लासेज कहाँ पे चलेंगी? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जहाँ है उसके पीछे इकोनॉमिक्स की क्लासेज चलती है, उसके पीछे फिर फिलॉसफी की क्लासेज चलती है, और बहुत सारी क्लासेज एफसीआई बिल्डिंग में चलती है। अब एफसीआई बिल्डिंग के एलएलटी का डिस्कशन हम कर लें। जो शीशे वाली बिल्डिंग है, जब आप वहां जाएंगे उसके अंदर एंट्री करते 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 आप किनारे से चलेंगे सबसे पीछे, एकदम पीछे नहीं जाना, उसके पहले जाना है। वहां पे नीचे LLT 1, इधर LLT 2, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे LLT 3, LLT 4, उसके ऊपर जाएंगे LLT 5, LLT 6, वहां पे 6 क्लासेज एक बिल्डिंग में है। तो जब पीछे उसके ठीक बगल एक LLT 9, LLT 10, LLT 11 एंड LLT 12, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दूसरी वाली बिल्डिंग के पास है, जहां सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको नहीं जाना है। उसके बाद फिर एक बिल्डिंग और पड़ती है, वहां पर आपकी क्लासेज चलेंगी, किसकी किसकी, हिंदी की, फिलॉसफी की कुछ क्लासेस चलेंगी, इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस चलती हैं सुबह वाली, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की चलती है, एंशियंट हिस्ट्री की चलती है, इतनी मिडिवल हिस्ट्री की भी क्लास चलती है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी, तो कुछ क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश वाले बच्चों की मैक्सिमम क्लासेज उनके डिपार्टमेंट में चलती है, क्योंकि इंग्लिश का अमूमन एक आध ही सेक्शन हर जगह होता है।
फिलासफी में एक सेक्शन रहेगा इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस में लड़कियों के लिए अलग सेक्शन रहेगा, एक शाम के टाइम में सेक्शन रहेगा जिसमें लड़के लड़कियां साथ कंबाइंड पढ़ेंगे। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ एक सेक्शन रहेगा, लड़कियों का अलग रहेगा लड़कों का अलग रहेगा इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी की तो कई क्लासेस चलती हैं लगातार, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की मजबूरी रहती है कि वही क्लास अपनी वो अटेंड करें। इसके बाद फिर बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, भी बहुत सारी क्लासेज इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेज उनके डिपार्टमेंट में चलेंगी, इंग्लिश लिटरेचर क्लास उनके डिपार्टमेंट में चलेगी। तो टाइम टेबल आप ऐसे देखें, मान लीजिए कि पहली क्लास आपकी 9:50 से 10:45 FCI में है तो आप FCI में जाइए, फिर 10:45 से लेकर के 11:40 तक आपकी क्लासेज कहाँ पर हैं, मेन कैंपस के अंदर NRSC हॉल में, तो अगर फिलासफी आपका तो वहाँ आइए, इकोनॉमिक्स की क्लासेज अगर आपकी है तो डिपार्टमेंट, तो देखिए अगर FCI लिखा है तो आपकी क्लासेज FCI में चलेगी। टाइम टेबल के हिसाब से देखिए और अपने इनरोलमेंट के हिसाब से देखिए, तो तभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मैं ये वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ कि आपको परेशान ना होना पड़े। बीकॉम की क्लासेज कॉमर्स फैकल्टी में चलेंगी, सुबह 9 से 12 लड़कियों की क्लास चलती है और 2 से 5 लड़कों की क्लास चलती है, ये बीकॉम का पूरा मामला है। इसके बाद BSc की क्लासेज बायो और मैथ की बच्चों की क्लासेज ये साइंस फैकल्टी में चलती है, SCIENC साइंस फैकल्टी में जो कटरा के पास है वहाँ चलती है। आप लोग तो अपना टाइम टेबल वैसे ही देख लेंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट जो आर्ट्स के हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे BSc की ज्योग्राफी लिए हैं, कुछ बच्चे लिए हैं एंथ्रो, कुछ बच्चे साइकोलॉजी लिए हैं, तो ये सारी क्लासेज आर्ट्स फैकल्टी में चलेंगी। जैसे आर्ट्स के कुछ बच्चे जिनका मैथ मिल गया है, जिनको डिफेंस मिल गया है, और ये सारे बच्चे साइंस फैकल्टी जाएंगे क्लास करने, यहाँ से आर्ट्स में क्लास करेंगे फिर जाके साइंस में क्लास करेंगे। बहुत सारी क्लासेज आपकी क्लैश करेंगी, जैसे साइकोलॉजी वाले जो बच्चे सुबह पढ़ जाते हैं उनकी बहुत सारी क्लासेज एक ही साथ पढ़ जाएंगी, तो ये दिक्कत हर साल होती है और इस बार भी शायद क्लासेज क्लैश करें, तो ये दिक्कत है। दूसरी बात, आप इनरोलमेंट करवा लेंगे, मान लीजिए कि आप सुबह कोई क्लास इनरोलमेंट करवाएं, शाम को कोई क्लास, तो आप दिन भर यूनिवर्सिटी में बिताएंगे। लगातार क्लासेज का इनरोलमेंट करवाइए। मान लीजिए कि अगर आपकी क्लासेज अगर 12:30 से आप इनरोलमेंट करवा रहे, 12:30 से लेकर के 1:30 तक, फिर 1:30 से 2:30 तक, फिर 2:30 से लेकर 3:30 तक, तो ऐसे लगातार आपकी क्लासेज रहेंगे तो आपको भी सही रहेगा कि पूरा समय आप यूनिवर्सिटी में अपने मतलब बिताने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो कोशिश ये करिए कि लगातार आपकी क्लासेज हो। सुबह 9:30 से आप इनरोलमेंट करवाइए ऐसे ऐसे सेक्शन में, फिर 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30 आपकी सारी क्लासेज 12:30 तक खत्म, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है, पूरा टाइम हमारा यूनिवर्सिटी में ही चला जाता है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए इनरोलमेंट के टाइम में। अभी जब आप 14 को आएंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो आपको जिनका इनरोलमेंट बच्चों को नहीं हुआ उनका इनरोलमेंट कहाँ पे होगा, विभाग में होगा, डिपार्टमेंट में होगा। अपने डिपार्टमेंट में जाके अपना इनरोलमेंट करवाइएगा, लाइन बहुत लंबी लगी रहेगी, परेशान मत होइएगा। अगर इनरोलमेंट आपका नहीं भी हो पा रहा है तो आप सीधे जाइएगा डिपार्टमेंट के, उसमें आप टाइम टेबल लगा होगा, बहुत टाइम टेबल हमारे टेलीग्राम पे भी पोस्ट है, टाइम टेबल देखिएगा, सेक्शन देखिएगा, क्लासेज कहाँ चलिए वो भी डायरेक्ट जाके क्लास करिएगा, जब टाइम मिले तब इनरोलमेंट करिए। क्लासेज आप मत बंक करिए, क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है सारे सब्जेक्ट की, तो क्लासेज आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। इनरोलमेंट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है तो परेशान मत होइए, सीधे आप जाके क्लास को अटेंड करिए, बाद में जब समय मिलेगा तब इनरोलमेंट करवाइएगा। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आपको भगा देगा क्लास से, आप इनरोलमेंट किसी भी सेक्शन में करवाए रहेंगे, आप किसी भी सेक्शन की क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेन कैंपस वाले बच्चों के लिए। मान लीजिए कि आपने इसी टाइम पे करवाया इनरोलमेंट, आपको ये क्लास इस टीचर की अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं लग रही है, तो आप सेक्शन सी वाले में जाके पढ़िए, आप सेक्शन डी की क्लास में जाके पढ़िए। तो ये भी चीजें हैं कि अगर आपको क्लासेज नहीं समझ आ रही उस टीचर की क्लासेज, तो आप अपनी क्लास को चेंज भी कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में देना है। कोई मजबूरी नहीं है कि आपको उसी क्लास में बैठ के पढ़ना है, बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप किसी ऐसी क्लास में करिए जहाँ खाली रहती है क्लास, एक साथ एक ही टाइमिंग पे कम से कम पूरे दिन भर क्लासेज लगी रहती हैं क्लासेज। तो मान लीजिए इस टीचर की नहीं समझ आ रही है तो किसी और टीचर की क्लास करिए आप, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसमें आपने इनरोलमेंट करवाया है वही क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि फिलोसफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर, इनकी क्लास यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी क्लास है, सारे बच्चे जो किसी भी सेक्शन में इनरोल करवाए रहते हैं वो फिलोसफी में सर की क्लासेज करते हैं, तो कोई वो सर तो कभी नहीं रोकते, सर की क्लास में जमीन पे बच्चे बैठ के क्लास करते हैं, तो सारे क्लासेज बच्चे इन्हीं सर की ही क्लास करते हैं। तो आप किसी भी टाइम में इन्वॉल्वमेंट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आपका टाइम बचे, आपको समझ है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी FCI की क्लासेज FCI में चलेंगी, डिपार्टमेंट की क्लासेज डिपार्टमेंट में चलेंगी,
इनरोलमेंट आप करवाने आएंगे तो टाइम टेबल जो है आपके नोटिस बोर्ड में, जब आप डिपार्टमेंट में एंट्री करेंगे तो वहां सामने एक नोटिस बोर्ड लगा, आपको किसी से पूछना ही नहीं है यार कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। FCI बिल्डिंग मैंने बता दिया, रोड के उस पार है, आर्ट्स फैकल्टी इस पार है, सेंट्रल लाइब्रेरी आर्ट्स फैकल्टी में है, तो आपको भटकना ही नहीं है कहीं, आपको सीधे अपने डिपार्टमेंट जाना है। अब डिपार्टमेंट कौन सा कहाँ है आप ये पूछ सकते हैं, लेकिन इसके दरमियान आप लोगों को बिल्कुल भी, कोई अगर आपका एनरोलमेंट बहुत जल्दी करवा दे रहा है, आइए हम आपका एनरोलमेंट बहुत जल्दी करवा दें, अपना फीस रसीद दीजिए, तो ये सब काम बिल्कुल मत करिएगा, समझ रहे ना आप लोग। क्योंकि अगर इतना खलिहर कोई इंसान है कि आपका लेकर के एनरोलमेंट आपका खुद करवा रहा है तो कुछ ना कुछ मामला होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ऐसे कोई इंसान किसी की मदद, इनरोलमेंट की लाइन लगी आप लाइन में रह के करवाइए, आप जाके क्लास करिए अपनी, तो बाईपास वाला रास्ता मत ढूंढिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। ध्यान से अच्छे से सजग रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। इसके साथ साथ मैंने ये बताया है कि अपनी DP पे, अपने व्हाट्सएप की अबाउट पे, अपने व्हाट्सएप के नेम पे प्राइवेसी लगा लीजिए। सभी लोग जिसके मोबाइल में आपका नंबर नहीं सेव है उसमें प्राइवेसी लगाइए, उस प्राइवेसी के ऑप्शन में माई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए तो उससे प्राइवेसी लग जाएगी। इन बातों का ध्यान देना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में कोताही नहीं बरतनी है। टाइम टेबल ही मैंने मेन कैंपस का समझा दिया, कॉलेज की क्लासेज कॉलेज में चलती है, एक टाइम पे एक क्लास चलती है, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। बाकी कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे जरूर डिस्कशन करिएगा, जरूर पूछिएगा। BLLB वाले बच्चों की क्लासेज 12 से 5 रहती है, 1 से 5 रहती है, वो लॉ फैकल्टी में रहती है, अलग अलग सेक्शन की क्लासेज। बाकी ये पूरे आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी की क्लास के बारे में हमने डिस्कस की। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।